नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइट लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरें बताते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉप न्यूज। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पटना पहुंच गए हैं। 9 महीने बाद लालू यादव पटना लौटे हैं। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार बिहार आए हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मिसा भारती और छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। लालू के बिहार लौटने से आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच बेहद उत्साह है। पार्टी के सभी नेता लालू यादव के बिहार आने से काफी खुश हैं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने शुक्रवार 28 अप्रैल को बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम नीतीश कुमार को अजय आलोक ने झटका दिया है। दिल्ली में उन्हें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले अजय आलोक जनता दल यूनाइटेड में काफी लंबे समय तक प्रवक्ता के रूप में काम कर चुके हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में माने जाते थे। प्रवक्ता के रूप में अजय आलोक विरोधियों पर तीखा हमला करते थे। बिहार के हाजीपुर में दलित आईएएस ऑफिसर की हत्या के आरोपी पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई को लेकर चिराग पासवान ने आपत्ति जताई है। इसे लेकर उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए नियम में बदलाव किए हैं और हत्या के आरोपी को रिहा किया है। दलित परिवार के साथ अन्याय हुआ है। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई को चिराग पासवान ने सरासर गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के पहले हुए असद एनकाउंटर पर हलफनामा भी मांगा है। यूपी सरकार से ये भी पूछा है कि विकास दुबे एनकाउंटर के बाद पुलिस कामकाज को लेकर जस्टिस बीएस चौहान की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि हमने ये घटना टीवी पर देखी है। दोनों को अस्पताल से सीधे एम्बुलेंस में क्यों नहीं ले जाया गया, उनकी परेड क्यों कराई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 3 हफ्ते में सुनवाई को करने के लिए कहा है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। जंतर मंतर पर जुटे पहलवानों का संघर्ष आखिरकार रंग लाया। दिल्ली पुलिस रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को तैयार हो गई। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसकी जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने पहलवानों की शिकायत पर रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला किया है। इससे पूर्व 26 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मामले में एफआईआर दर्ज करने से पूर्व आरोपों को लेकर प्राथमिक जांच की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर पहलवानों के समर्थन में कई दिग्गज उतरे हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने कहा कि सड़क पर इंसाफ मांग रहे एथलीट्स को देखकर कष्ट होता है, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। इंडियन टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी प्रतिक्रिया दी है और पूछा है कि क्या कभी इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। वहीं भारतीय ओलंपिक अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि पहलवानों का सड़कों पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है, इससे भारत की छवि खराब हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 100 वॉट कैपेसिटी के 91 एफएम रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन किया है। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो इससे मेरा रिश्ता एक श्रोता का भी है और एक होस्ट का भी है। एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप साबित नहीं हुए, इसलिए बरी किया जाता है। फैसले के वक्त सूरज कोर्ट रूम में मौजूद थे। सूरज पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। जिया ने 3 जून 2013 को मुंबई में अपने फ्लैट में सुसाइड किया था। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइट लाइव।